चलिए रेडी। तो आज का टॉपिक है बेटा 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सर सुनो, ये कब यूज करना है? ये तब यूज करना है जब आपके फैक्टर्स हो। क्या फैक्टर्स? पता है ना फैक्टर्स क्या होते हैं, बट इसको समझाने से पहले कुछ इसके फॉर्म्स लिख लेने हैं। तो आओ जरा नोट्स में वो पॉइंट लिख लेते हैं क्या है। सबसे पहला, अगर कोई फंक्शन आपका इस तरह हो, ध्यान से समझना, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में है, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ? किसी को आइडिया? कुछ क्या करते हैं इसका? नो आइडिया, चलो कोई बात नहीं। इसको आते बेटा a अपॉन x प्लस, या कम करते a x प्लस बी को भी छोड़ो और सिंप्लीफाई करता हूँ, x प्लस a x प्लस बी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बुक में ना x माइनस a x माइनस बी लिखा होगा, तो a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस बी। यहाँ तक क्लियर? ऑनलाइन कैमरा ऑन। अब बोलोगे क्या हुआ सर ये? मैं कह इसकी सिंपल पहचान बताता हूँ, जब नीचे जो फैक्टर्स है वो लीनियर हो। क्या हो फैक्टर्स? लीनियर, ठीक है। तो ये यूज करना है। सर क्या है? बहुत इजी है, बहुत इजी। सेकंड, मान लो आपका इसमें ना मेन डिनोमिनेटर है बेटा, इसमें न्यूमरेटर नहीं है। न्यूमरेटर में कभी वन भी हो सकता है, ऐसा भी होगा कि वन होगा, तो मेन खेल डिनोमिनेटर का है। अब मान लो नीचे होता है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। एकाग्र आप बता सकते हो क्या होता है इसका फैक्टर? नो, इसको होता है ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन, बोलो बोलो बोलो, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। चलो मैं एक बार लिखवा देता हूँ, बताता हूँ, पहले लिख लो सारे। फिर मान लो मेरा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में, अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस बी। बेटा मैंने बताया होल स्क्वायर है, तो क्या करना है उसको? दो बार लिखना है, एक बार बिना और एक बार ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा लीनियर वाले को क्या करना है? अलग से लिख देना है, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी। थोड़ी सी बात समझ आई? लीनियर है तो सिंपली ए बाय एक्स प्लस ए। लीनियर के लिए क्या करना है? उसका अलग, उसका अलग, ए बी। होल स्क्वायर है तो एक बार बिना स्क्वायर के, फिर एक बार स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे दोनों ही है तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा? एक स्क्वायर वाला यूज करूंगा, ये वाला पूरा और फिर एक ये पूरा। बोले यहाँ तक क्लियर? अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो बहुत टेंशन ना लेना, अभी क्लियर हो जाएगा, बस पेशेंस रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉर्म ऑनलाइन, इज दैट क्लियर? यस और नो? हरी अप। फोर्थ, अब खेल यहां पे शुरू होता है। मान लो ये हो आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ये रुको, ये कर देते हैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा ये किसी की याद दिला रहा है? ये किसकी याद दिला रहा है? क्वाड्रेटिक, एग्जैक्टली। जब ये क्या हो? क्वाड्रेटिक हो, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? क्वाड्रेटिक वाले को कैसे लिखना है बेटा? मेरे को लिखना है इसको ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आओ एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। लीनियर वाला है तो दो अलग अलग बना दो, होल स्क्वायर वाला है एक बार बिना स्क्वायर के, एक बार स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे दोनों ही आ गए, तो दोनों का यूज करो क्या? एक बार बिना स्क्वायर स्क्वायर के साथ, फिर एक लीनियर। हाँ जी, दोनों ही होल स्क्वायर वाले तो क्या a बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस, मान लो बच्चे ने बोल दिया ये वाला पॉइंट आ गया, अब बाकी तो मैं अपने क्रिएट कर रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं है। समवॉट लाइक दिस, आपने ये बोल दिया, मान लो ये आ गया, तो क्या करो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन बस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी। बात समझ आ रही है?
ठीक है, मेन केस तो एक्चुअली तीन ही है। अब आता है चौथा थर्ड केस जो मेन है इसमें, वो क्या है, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्या है सर, जहाँ पे होल स्क्वायर ना हो पाए, लाइक इस तरह पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या कंप्लीट, ये होल स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है, नहीं है ये होल स्क्वायर, ठीक है, या जिसके फैक्टर ना हो सके, वो बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो वहाँ क्या करना है मामी को, बस ए एक्स प्लस बी लिख देना ऊपर, क्या लिखना है बेटा, ए एक्स प्लस बी। अब आप बोले कि ये है क्या, मैं बताता हूँ, वैसे इसके साथ एक फैक्टर और भी होगा जनरली, लेट से मैं बोले तो एक्स प्लस डी, एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, सी अपॉन, यहाँ तक क्लियर, मेन मेन पॉइंट समझ आ गया, यस सर नो, अगर ये ना होता तो इसकी ज़रूरत होती नहीं, वैसे तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन से हो जाता क्वेश्चन इन दैट केस। अब क्यों है, क्या है, कैसे, वो बताता हूँ, चलो आगे कर लिया नोट, चलो ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाइए जिसके थ्रू आपको एक्चुअली समझ आएगा। इसके लिए पिक करूंगा बेटा एग्जांपल 13, देखो क्या है बेटा, स्पेशली कह रहा हूं इसके अंदर क्वेश्चन जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन में लेंथी है, और अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊं तो मेरे को लगता है कि शायद हमारी चार क्लास तो इसी में निकल जाएगी, बस इतना कह रहा हूँ फोकस करना, और गारंटी से कह रहा हूँ इसमें आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद भी हैव पेशेंस, डिफरेंशियल इज अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंशिएशन इज अ डिफरेंट थिंग, कोई अब यहाँ पे फोकस करते हैं, रेडी। अब मेरा क्या है, आई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, रेडी। अब ये है ना मेरा, हाँ जी सर, कौन सी वाले की याद दिला रहे, जल्दी बताओ, इसमें क्या, क्या सिंपल ये देखो ना, इसमें क्या है, क्या है इसमें, होल स्क्वायर है और स्क्वायर, होल स्क्वायर और एक लीनियर है बेटा, ध्यान रखना। अगर मान लो ये मैं ना लिखता, क्या यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता था, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर कितने हैं, एक, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो किस फॉर्म में ब्रेक करूँगा इसे, कैसे लिखूँगा मैं, ध्यान से अब देखो, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, राइट, इज इक्वल्स टू जो x प्लस 1 वाला, इसे क्या लिखेंगे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 के लिए c अपॉन x प्लस 3, बोलो यहाँ तक क्लियर। अब क्या करो, इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लो पहले तो, 3x माइनस 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 करो, एलसीएम लो यहाँ पर, x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3, क्या बनेगा ये, वो ये a इंटू एक्स प्लस 1, बेटा समझ आए कैसे, आपको नहीं आई होगी, सिंपल है, तीनों का सेम करना है, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, नहीं आई समझ, नहीं आई, उसको इस पे लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सबसे पहले मैं इसी की बात करता हूँ बेटा, ये पोर्शन में यहाँ का क्या होगा, एलसीएम होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे बेटा, x अपॉन ए प्लस y अपॉन ए स्क्वायर, तो दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, ऐसे कर लो ना, a और ए स्क्वायर किसकी टेबल में आ रहे हैं, a वन और a, फिर अब समझ गए, तो इन दोनों का होल स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा, सॉरी x प्लस 1, अब इसका भी कर दो, x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3, बोलो यहां तक क्लियर, यहां क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू
इस बी में क्या करूंगा, एक चीज रह गई बेटा सर ए में, क्या एक्स प्लस थ्री रह गया प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री, सी में क्या आएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। बोले यहां तक क्लियर? ठीक है, फायदा पूरा कैंसिल, क्या बचा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है a इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री, मेरे को a b c की वैल्यू निकालनी है। पहले कराऊंगा लेंदी वे, फिर कराऊंगा शॉर्टकट। पहले लेंदी वे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे निकालनी है वैल्यू। बेटा जरा ओपन करो अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 3 करो सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3x माइनस 2। बेटा ओपन करो, क्या बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a, इसको करो बी एक्स प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c। यहाँ तक क्लियर? अब लाइक टर्म्स एक साथ, यानी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली एक साथ, फिर एक्स एक्स वाली एक साथ, और फिर बिना एक्स वाली एक साथ। यहाँ तक क्लियर? 3x माइनस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक ही हो गया, प्लस 4ax प्लस bx प्लस 2cx, फिर क्या रह गया 3a 3b और c। राइट, अब मैं करूंगा कंपेयरिंग। कंपेयरिंग यानी x वाले को x के साथ कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ, और बिना एक्स वाले को बिना एक्स के साथ। कैसे बेटे? यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, क्या लिखूंगा इसे, 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ तक क्लियर? बोलो कन्फ्यूजन, जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो साथ में जीरो। बेटा यहाँ से क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचा a प्लस सी, यहाँ से कॉमन x। मैं भी पहले कह रहा हूँ, मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊँगा कि a b c कैसे निकालते हैं हम लोग। क्या बचेगा 4a प्लस बी प्लस 2c, यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं, 3a प्लस बी प्लस 3c, राइट। अब हम करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मीन्स एक्स स्क्वायर वालों को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वालों को एक्स के साथ, और बिना एक्स वालों को बिना एक्स के साथ। खुद के कॉमन से सोच के बताओ, जीरो किसके साथ होगा इक्वल, ए प्लस सी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, या चाहो तो ऐसे लिख लो ना, जीरो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए प्लस सी, जो आपकी चॉइस हो। ए प्लस सी कितना हो जाएगा, चाहो तो ऐसे लिख लो, वो चॉइस आपकी टोटली। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ साथ में, अभी कंपेयर कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे पॉइंट लिखता रहूँगा। अभी मेरी एक इक्वेशन क्या बनी, a प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे करो 3 और बेटा भी लिखूँगा मैं, वही कह रहा हूँ, उस पर आऊँगा 4a प्लस बी प्लस 2c, डायरेक्ट कर दूँ अब तो, या पूरा लिख के दूँ 3x इक्वल्स टू x इंटू 4a प्लस बी प्लस 2c, x x कटा, 4a प्लस बी प्लस 2c किसके इक्वल, 3, 4a प्लस बी प्लस 2c। अच्छा जी, फिर तीसरा ले लो, माइनस 2 किसके इक्वल, इसके माइनस 2 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस 3 प्लस c। अब बेटे मेरे को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, आते सॉल्व करना? yes. बच्चे कहते हैं यस, कैसे करोगे बताओ, यस yes.
देखो अगर मेरे दो वेरिएबल्स में होते मेरा काम इजीली हो जाता, राइट। 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। आज क्या हो गया, यहाँ पर अटक रहा है बहुत ज़्यादा, 3b प्लस c। ठीक है, चलिए क्या करूँ, मैंने सोचा a से वैल्यू निकाल लूँ, a की वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर डाल दूँ इसमें और इसमें, क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू माइनस सी प्लस बी प्लस टू सी। माइनस फोर सी प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू 3, क्या बना ये बेटा, बी माइनस टू सी इज इक्वल टू 3 माइनस थ्री सी प्लस थ्री बी प्लस सी माइनस टू सी प्लस थ्री बी इज इक्वल टू माइनस टू। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? अच्छा फिर क्या कर दूंगा आप दोनों को, ऐसे लिख दो 3b माइनस 2c क्या कर दो दोनों को एलिमिनेट, सॉल्विंग 1 एंड 2 b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 3 3b माइनस 2c इज इक्वल्स टू माइनस 2 सॉल्व करने के लिए माइनस प्लस प्लस b माइनस 3b माइनस टू बी कितना हो गया 5, बी की वैल्यू कितनी आई चेक कर ले, बी की कहीं गलत तो नहीं आ रही, क्योंकि गलत हो गई तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, बी की बिल्कुल ठीक है राइट। अब बी की वैल्यू डाल दो कहाँ पे, कहाँ पे डालू, फर्स्ट में, पुट बी इन फर्स्ट, माइनस फाइव बाई टू माइनस टू सी इज इक्वल टू 3 यहाँ कर दो, क्या हो जाएगा माइनस टू सी 3 प्लस फाइव बाई टू माइनस टू सी कितना हो गया 6 और 11 11 बाई 2 सी की वैल्यू माइनस 11 बाई 4। अब ए की वैल्यू निकालनी है, क्या करूँ, क्लियर। अब मैं एबीसी का एक शॉर्टकट भी बता, अभी बताऊं पहले कंप्लीट होने के बाद बताऊं, कंप्लीट होने के बाद बोलिए, अगर कहां से बी की वैल्यू निकालते यहां पे सब्स्टिट्यूशन, हाँ तो भी चलेगा, बच्चे ने कहा अगर यहां से बी की वैल्यू निकाले और यहां पे डाले कोई इशू नहीं है, यहां तक क्लियर, ओके चार्जर ऑफ प्लीज, ठीक है यहां तक क्लियर। अब चलते आगे, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, अभी मैं बी का एबीसी का शॉर्टकट बताऊंगा। क्वेश्चन क्या था मेरा, ये था ना 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, इसको हमने किस फॉर्म में ब्रेक करा था बेटा, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन x प्लस 3 वैल्यू डाल दो, यानी क्या 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, a की वैल्यू क्या डालेंगे 11 बाय 4 x प्लस 1, बोलो यस और नो, यस कहाँ पे, एक मिनट बच्चे ने कहा कहाँ पे कह रहे एंड में और पीछे, फिर कहाँ पे डाल सकते हैं, कैसे डालोगे बताओ, मतलब बताओ ना कैसे, मैं समझा नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, ए था एक्स की नहीं निकाल पाओगे बेटा, क्या नहीं निकाल पाओगे, निकाल के देखो बता दे, तो आपको जब आप ए बी सी पुट करोगे ना यहाँ पर, सुनो क्या होगा,
एबीसी पुट करोगे यही बनेगा, 3x माइनस 2 बन जाएगा, ऊपर कर लो यही बनेगा 3x माइनस 2, कहीं पे भी डाल लो। बेटा एक्चुअली क्या है, इसको फॉर्म चेंज कर रहे हैं, लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं, दिखाता हूँ कैसे। अभी अभी वेट, यही था ना क्वेश्चन, वहाँ ए बी सी डालो या यहाँ पर डालो, सेम हो जाएगा एल एच एस आर एच एस। हमने एक्चुअली करा क्या है, सिर्फ लिखने का मेथड चेंज करा है। बी बेटा बी का निकाला हमने, वेर इज दिस माइनस 5 बाई 2, और सी माइनस 11 बाई 4, माइनस 5 बाई 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सी 11 बाई 4 एक्स प्लस 3। बोले यहाँ तक क्लियर? अब एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान रहेगा या इसका इंटीग्रेशन रहेगा? है दोनों बराबर, इसको सॉल्व कर देना यही बनेगा, खुद बताओ, खुद बताओ किसका इंटीग्रेशन ज़्यादा इजी रहेगा, इसका कर सकते हो या इसका इजीली कर सकते हो? राइट वाले का किसका कर दो, 11 बाई 4 एक्स प्लस 1 माइनस 5 बाई 2 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 11 बाई 4 एक्स प्लस 3। अब बेटा करते कैसे करेंगे सर, इसके लिए क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा बीच वाले का, बताना ज़रा क्या लिख सकता हूँ इससे, खुद बताओ। एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2 कैसे करते हो, आपको आता है, ये हो गया 11 बाई 4, 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अरे बेटा 1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 बनेगा, अरे 1 बाय एक्स का क्या होता है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग मॉड एक्स प्लस 1, 11 बाय 4 लॉग मॉड में एक्स प्लस 1, इसका कर दो कैसे, पावर ऐड यस नो, एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 और उसी से डिवाइड। यहाँ तक क्लियर? सेम यहाँ पे 11 बाय 4 लॉग मॉड में एक्स प्लस 3 प्लस सी। बोलो यहाँ तक क्लियर? आओ 11 बाय 4 ये लॉग वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, लॉग मॉड में एक्स प्लस 1 माइनस 11 बाय 4 लॉग मॉड में एक्स प्लस सी, इसे सॉल्व करो, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, क्या हो जाएगा इससे, ये प्लस 5 बाय 2 एक्स प्लस 1, कैसे आया बेटा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, पावर नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल, आंसर नहीं आया, 11 बाय 4 यहां से कॉमन ले लू, क्या रह जाएगा बेटा, लॉग मॉड में एक्स प्लस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 3 राइट, प्लस 5 बाय 2 एक्स प्लस 1 प्लस सी, कर दो इसे सॉल्व, 11 बाय 4 लॉग मॉड में एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 प्लस 5 बाय 2 एक्स प्लस 1 प्लस सी। बेटा ये तो छोटा सा क्वेश्चन अभी, अब अगर ए बी सी में बोलूँ आपको, अगर ए बी सी ऐसे ना निकालना हो और दो मिनट में आंसर आ जाए ए बी सी का, जानना है क्या ये एक्चुअल में वाला, तो 3 मार्क्स का आएगा ये वाला। अभी मैं एबीसी का शॉर्टकट बताता हूँ, पहले यहाँ तक क्लियर है सबको या यहाँ तक डाउट है, ये लॉन्ग था कहाँ से, एक सेकेंड कहाँ से बताना है, कब बोलना, यहाँ पे बेटे मैंने लॉग वाले को एक साथ कर दिया, 11 बाय 4 कॉमन ले लिया, लॉग मॉड में एक्स प्लस 1 माइनस लॉग मॉड में एक्स प्लस 3, माइनस और लॉग में तो क्या होता है, लॉग में अगर लॉग एम माइनस लॉग एन हो तो वो क्या बनाता है बेटा, लॉग एम बाय एन, सेम ही हो गया।
क्लियर। अब एक सेकेंड, अब इसका ऑल्टरनेटिव बता दो, ए बी सी निकालने का। A upon x plus 1 plus b upon x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस c upon x plus 3, राइट। एलसीएम करो, x plus 1 का होल स्क्वायर x plus 3 x plus 1 का होल स्क्वायर x plus 3 a into x plus 1 x plus 3 b into x plus 3 c into x plus 1 a whole square, ready? ओके, ये पूरा कट गया, ये आपको पता ही है, वैसे तो इतना पता लग ही रहा है। अब ध्यान से देखना, खेल इसके बाद शुरू है, यहां तक तो सेम था। मैं क्या करूं, ध्यान सुनो बेटा, मैं क्या करूं जिससे ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए? एक्स की जगह क्या रखूं जिससे जीरो हो जाए? माइनस वन डाल दो, पुट करो एक्स की वैल्यू माइनस वन। अब शॉर्टकट देखो, यहाँ पे भी माइनस वन आएगा, थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू, यस और नो? ए इंटू माइनस वन प्लस वन, तो एक काम करूँ, ये डायरेक्टली लिख दूँ, ये क्या हो जाएगा पूरा जीरो, लिखने की जरूरत है? ये जीरो, यहाँ पे क्या होगा बी इंटू माइनस वन प्लस थ्री, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा जीरो। बोलो यहाँ तक क्लियर? क्योंकि यहाँ मैंने एक्स की जगह क्या रखा, माइनस वन। फायदा देखो बेटा, माइनस थ्री माइनस टू कितना आया, टू बी, बी की वैल्यू निकालो, माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। वेट, अभी बी आया, अच्छा सर अब करना क्या है, अब इसको जीरो बनाने क्या रखूँ, माइनस थ्री, फुट एक्स इजिकल्स टू माइनस थ्री डाल दो यहाँ पर, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस टू, ए इंटू, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा पूरा जीरो, सी की जगह माइनस थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस इलेवन, और ये हो गया फोर सी, कैसे सर, माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर फोर, आ गया सी। सर ए कैसे निकाले, बच्चे थे सर, क्या मुश्किल है सर, एक्स की जगह माइनस वन डालोगे फिर वही आ जाएगा। अब ये कैसे निकाले, कसम थोड़ने के माइनस वन ही डालना है, माइनस वन से आसान है, जीरो डाल लो ना, जीरो डाल लो, वन डाल लो, टू डाल लो, थ्री, जो भी आपको लगे, फोर एक्स इजिकल्स टू जीरो डालो वैल्यू, थ्री इंटू जीरो माइनस टू, ए इंटू जीरो प्लस वन, जीरो प्लस थ्री इधर डालो, बी इंटू जीरो प्लस थ्री, सी इंटू जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर। माइनस टू थ्री ए थ्री बी प्लस सी, अब ए बी सी की वैल्यू आई है मेरे पास, किसकी आई वैल्यू अभी तक, बी की, रखो बी की कितनी आई, माइनस फाइव बाई टू, और भी किसी की आई है, सी की माइनस इलेवन बाई फोर, माइनस टू, थ्री ए माइनस फिफ्टीन बाई टू माइनस इलेवन बाई फोर, सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा मेरा, थर्टी 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 और इलेवन फोर्टी वन, इधर भेज दो, माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री ए माइनस फोर्टी वन बाई फोर, क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस फोर्टी वन बाई फोर, एलसीएम लो, माइनस एट प्लस फोर्टी वन बाई फोर,
कितना आ रहा है ये 32/4। बट एक मिनट, 32/4 नहीं आना चाहिए, सॉरी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वहाँ पे बोलो बोलो क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा बोलो, दोबारा रखते एक बार वैल्यू, या ओके थैंक यू 33। अब ठीक आ गया ना, ये लो ए आ गया 11/4 आ गया एबीसी शॉर्टकट में, यस और नो। अब इसके बाद चॉइस आपकी है, क्या करना चाहो हो जाएगा इसके बाद आगे, बाकी सारे मेथड सेम है डीएफ। अब आप एबीसी ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, ये टोटली चॉइस आपकी है। तो करो इसे नोट और इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को फॉर्म में लेकर दिखाना है अपने, एग्जांपल नंबर 16 राइट नाउ, एग्जांपल नंबर 16।